नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमरूद का स्वादिष्ट खट्टा मीठा पापड़। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे आप जैम जेली भी कह सकते हैं, अमरूद की बर्फी भी कह सकते हैं। इसको बनाने के बाद बिस्किट के बीच में रखकर खाने से यह बिल्कुल जिमजैम बिस्किट की तरह लगेगा। ब्रेड के बीच में रखकर भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और यह घर का बना है, इसमें हम कोई भी फूड कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम अमरूद को इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। एक चुकंदर भी थोड़ा काट कर हम ले लेंगे। तो यह चुकंदर आधा से भी कम है, यह हम कलर के लिए ले रहे हैं। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। हम फूड कलर कोई भी नहीं डालेंगे, हम चुकंदर का ही कलर से इसको कलरफुल बनाएंगे। तो इस तरह से इसे भी हम छील काट कर ले लेते हैं। इन सबको हमने काट लिया है। अब कुकर में पानी डालेंगे, एक कटोरी रखेंगे, उसके बाद एक और कटोरी में इन अमरूद और चुकंदर को रख कर 2-3 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। अब उबलने के बाद इनको हम ठंडा करके मिक्सर जार में पीस लेंगे। इसको एक छन्नी के मदद से छान लेंगे ताकि इसके बीज सब अलग हो जाए। इसे नाप लेंगे। इसके लिए छोटे कप में हम ले लेंगे, यह करीब 2 कप के करीब है। तो उसी हिसाब से हम चीनी भी डालेंगे। तो 2 कप हमारा अमरूद का पल्प है, तो 2 कप हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसको गरम करेंगे, स्लो फ्लेम पर ही गरम करेंगे। थोड़े थोड़े देर में चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। अच्छा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा और भी कढ़ाई में सटेगा भी नहीं। और इसको हम चलाते रहेंगे। जब ये अच्छा और गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक पानी में इसे हम डालेंगे और जब निकाल के हाथों से इसको दबा के देखेंगे तो यह शेप लेने लगेगा, तब यह हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हमने करीब करीब 40 मिनट पका लिया है। अब इसमें 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। इससे चीनी क्रिस्टल नहीं बनेगा। चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसे एक बर्तन में घी लगाकर इसे निकाल लेंगे। जो अमरूद का पापड़ है इसको सेट होने में करीब करीब 1 घंटा लग जाएगा। तो इसको इस तरह से बराबर करके हम छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद यह सेट हो जाएगा। तब हम इसको चाकू की मदद से जो भी शेप चाहिए उस तरह से इसको काट लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी अमरूद का खट्टा मीठा पापड़। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको आप बिस्किट के बीच में भी रख के खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप रोटी पराठे से भी खा सकते हैं, ब्रेड के बीच में भी रख के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा और बहुत ही यमी होता है। यह बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होगा। इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक अमरूद ले लेंगे। तो कच्चे अमरूद का अगर आप बनाएंगे तो मीठापन नहीं रहेगा इसमें, और अगर थोड़ा अमरूद पका होगा तो थोड़ा चटनी हल्का मीठा बनेगा। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से कच्चे या पके हुए अमरूद ले लें। मैंने एक अमरूद ले लिया है। इसको काट लेंगे, इस अमरूद को अच्छा धो लेंगे और इसके ऊपर का हिस्सा काट कर अलग कर देंगे और इसके बीच वाले पार्ट भी अलग कर देंगे। और जो अमरूद है उसको छोटे छोटे पीसेस में कर मिक्सर जार में डालेंगे। एक छोटा अदरक का टुकड़ा, आधा हरी मिर्च, तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ज्यादा या कम ले सकते हैं, और थोड़ा धनिया पत्ती ले लिया है। तो धनिया पत्ती का मोटा डंठल हटा दिया है और जो पत्ती है उसको साफ धोकर ले लिया है। आधा नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफेद नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लें। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा पानी डालकर, 2-4 चम्मच पानी डालकर इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। चटनी हमारा रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको मीठा चटनी नहीं पसंद है तो कच्चे अमरूद का बनाएं, और थोड़ा हल्का मीठा पसंद है तो थोड़ा पका हुआ अमरूद ले लें, अधपका अमरूद ले लें। इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमरूद का ग्वाभा का चाट। ये बहुत ही चटपटा चाट होगा। ये काफी टेस्टी लगता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कच्चे अमरूद है जो ग्रीन होते हैं, कच्चे मतलब
अधपका अमरूद जो थोड़ा पका भी होता है, थोड़ा कच्चा भी होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगर आप चाट बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेगा। ऐसे पके वाले का भी बना सकते हैं। इसके लिए अमरूद धो लेंगे, इस तरह से दोनों साइड काट कर हटा देंगे और जो अमरूद है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, एक बाउल में रख लेंगे। अब थोड़ा धनिया पत्ती, हाफ हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको हम थोड़ा कूट लेंगे। मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल ले। इसको कूट के अमरूद वाले बाउल में डाल देंगे। थोड़ा चाट मसाला डालेंगे, काला नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं। आप अगर तीखा खाते हैं तो ज्यादा डाले, नहीं खाना चाहते हैं तो ना डाले, अपने स्वाद के हिसाब से आप मिर्च मिला दे। उसके बाद इन सबको अच्छा मिक्स कर ले, थोड़ा नींबू का रस डाल दे। रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी अमरूद का चाट। तो इसको आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स।